दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2024 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अमेरिका और भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जाने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर थी। ऐसे में आयरलैंड और यूएसए का मैच बारिश में रद्द होने की वजह से पाकिस्तान की टीम का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो गया है। इस पर पूर्व कप्तान और डायरेक्टर व कोच मोहम्मद हाफिज का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है। मोहम्मद हाफिज ने पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर एक व्यंग लिखा। उन्होंने बकरीद से जोड़ते हुए पाकिस्तान टीम पर निशाना साधा। हाफिज ने अपनी पोस्ट में लिखा, कुर्बानी के जानवर हाजिर हो। उन्होंने अपनी पोस्ट में हैशटैग पाकिस्तान क्रिकेट भी लिखा है। हाफिज का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यूएसए के खिलाफ हार के बाद से ही हाफिज पाकिस्तान टीम पर हमलावर है। T20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से यूएसए और आयरलैंड के बीच मैच खेला जाना था। इस मैच में यूएसए के हारने पर ही पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जाने की अपनी उम्मीदों को जीवित रख सकती थी। यूएसए के जीतने या मैच के रद्द होने पर पाकिस्तान की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो जाती। फ्लोरिडा में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में शुक्रवार को करीब 3.5 घंटे मैच होने का इंतजार किया गया, लेकिन खराब आउटफील्ड और बारिश के चलते मैच रद्द कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की टीम विश्व कप से बाहर हो गई। 2024 T20 विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले हैं। इस विश्व कप में कई बड़ी टीमें लीग स्टेज से ही बाहर हो गई है। पाकिस्तान से पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। अभी तक यूएसए, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की है। वहीं बाकी दो टीमों बांग्लादेश और इंग्लैंड की हो सकती है। दोस्तों मोहम्मद हाफिज के इस बयान पर आपकी क्या राय है, जरा कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।